समाज सेवी परिवार ने दर्जनों जरूरतमंदों को बांटा राशन। समाजवादी नेता हिकमत उल्ला खान ने कराया राशन का वितरण। जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा, जितनी ज्यादा हो सके करें गरीब परेशान लोगों की मदद। लॉकडाउन के चलते परेशान है रोज कमाने खाने वाले गरीब मजदूर लोग। हम सबको मिलकर करनी चाहिए परेशान लोगों की मदद, कोई शहर में भूखा सोने न पाए। जी आज यहाँ सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। किस के द्वारा रखा गया है? 20 दिन से लॉकडाउन की वजह से जितना गरीब मजदूर इंसान है वो बहुत परेशान है। लोगों के घरों में खाने को नहीं है, लोगों के घरों में बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लोगों के घरों में दवाएं खत्म हो गई हैं। आज यहाँ पर हाजी हारून अजीज की वालिदा मोहतरम हज्जन शमी मारा साहब ने जब गरीब लोग आए रोते हुए आए तो उन्होंने सैकड़ों पैकेट आज बना के गरीबों में तकसीम किए हैं। इसी तरीके से ये पहले दिन से गरीब लोगों को राशन पानी दे रही है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा, आज हमारी महिलाएं भी उन गरीबों के लिए उतर के आई हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसी बुजुर्गों को, महिलाओं को, कि जिस तरीके से उन्होंने गरीब का दर्द समझा, उनके घर में राशन पहुंचाया, उनके घर में दवाएं पहुंचाई, उनके घर में दूध पहुंचाया। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि कोई भी आपका पड़ोसी भूखा ना सोने पाए, कोई भी बच्चा बिना दूध के ना रह पाए, बिना दूध के ना सो पाए। आइए आगे बढ़िए, इसमें मदद करिए गरीबों की, गरीबों को खाना खिलाइए। मैं आप सभी लोगों से एक अपील और करना चाहता हूं कि अपने अपने मोहल्लों में सभी लोगों को घरों में जाकर देखिए कि किसी का चूल्हा नहीं जलाओ तो उसकी मदद करिए। और जिस तरीके से यहाँ पर कटरा पठाना, नई बस्ती, कटरा, कोटला, घड़ैया, सराय में ये लोग हारून हजीज साहब, साइज पठान साहब और ये शेखू भाई सब लोग जा जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं पूरे शहर के सभी दानदाताओं का, जो लोग मदद कर रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गली गली जाकर, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, जिस तरह मदद कर रहे हैं, हर गरीब के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सभी दानदाताओं को, उनकी मदद करने वालों को मैं सलाम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरीके से एक मानवता का संदेश दिए। आइए मिलकर, हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें, कानून का पालन करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अपने मोहल्लों में भीड़ें न लगाएं, घरों में।